नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। तो क्या बना है? पत्ता गोभी की स्क्वॉश। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो देखिए दोस्तों, आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे एकदम अखा पत्ता गोभी लिया है। तो बताती रेसिपी कैसी इसकी बनानी है। चलो, तो सबसे पहले इस पत्ता गोभी का हमें कवर ऐसे निकाल लेना है। तो ये पत्ता गोभी मेरी पड़ गई है क्योंकि यहाँ पे चाकू लगा था। तो हमें इस पत्ता गोभी का तो इस पत्ता गोभी का हमें से क्या करना है, इसका कवर निकाल लेना है। जैसे कि हम समोसा का पट्टी कैसे बनाते हैं, तो इसी तरह से इसका धीरे धीरे पत्ता निकाल लेना है, फटे ना ये। तो देखिए दोस्तों, ऐसे निकालना है इसे, बारी बारी से और निकाल ले रही हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पत्ता गोभी की जो कवर है इसको निकाल लिया। तो मैं इसे अब स्टीम करने वाली है, तो चलिए इसे स्टीम करते हैं। लेट्स गो। मैंने यहाँ पे इडली का कुकर लिया है और मैंने इडली का स्टैंड इस पे रख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो कैबेज के पत्ते हैं इसके ऊपर एक एक बिछा दे रही हूँ। इससे क्या होगा ना, पानी के अंदर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से क्या होगा कि जो पानी इसे छुएगी नहीं, लेकिन इसे स्टीम कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से रख दे। देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी के पत्ते को हम 10 मिनट अच्छे से स्टीम करेंगे। आप ये प्रोसेस स्टोव में भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे देखते हैं हो गया है ये। तो ये देखिए एकदम नरम हो चुका है। तो गैस को बंद कर दे रही हूँ मैं, ये डन है। देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी को मैं एक एक करके इसमें निकाल ले रही हूँ, फैला ले रही हूँ। ये देखिए एकदम पक गया है। तो चलिए अब इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे सब्जियों में क्या लिया है, सबसे पहले हरी मिर्च ली है और हरा धनिया लिया है। मैंने एक टमाटर कट किया है और यहीं पे कद्दूकस कर लिया है। अदरक और लहसुन लिए हैं थोड़े से, और मैंने यहाँ पे ऑनियन लिया है, और वही पत्ता गोभी में से कुछ पत्ता गोभी मैंने कट कर लिए हैं फिलिंग के लिए, और आलू बॉइल्ड कर लिए थे, उसे मैश कर लिए हैं। तो चलिए कढ़ाई लेके अब स्टार्ट करते हैं। अब चलिए इसकी अच्छी सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई हो गई है गरम। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया, तो इसमें मैं एक चम्मच डाल दे रही हूँ पचफोरन। पचफोरन को अच्छे से चटकने देना है, और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी करी लीव। और करी लीव को चटकने के बाद ही डाल दूंगी मैं थोड़े से इसमें अदरक। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनना है, और साथ ही में मैं हरी मिर्ची डाल दूंगी। हरी मिर्ची डाल, इसमें प्याज डाल दूंगी। पत्ता गोभी भी इसमें डाल दूंगी मैं, और हल्का इसे भूनना है। गोभी को तेज आंच पे इसे भून लेते हैं, ढकना नहीं है इसे। तो पत्ता गोभी थोड़ी नरम हो गई, तो मैं इसमें टमाटर डाल दे रही हूँ। टमाटर को थोड़ा पका लेना है। तो सब्जियां को हल्के आंच से मिला लेना है, टमाटर को दबा देना है, इस पे गुस्सा नहीं दिखाना है हमें। बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से सब्जियों को पका लेना है। आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी डाल देना है। एक बड़ा चम्मच मैं इसमें राजेश मसाला ऐड करूंगी, और अच्छे से इसे भी भून लेना है। इसी स्टेज पे मैं ये बॉइल्ड पोटैटो इसके अंदर डाल दूंगी, जिसे मैंने अच्छे से फोड़ लिया था। तो इसे भी मिला लेना है। साथ ही में मैं हरी धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी, और हमें लास्ट में क्या करना है, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। तो हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, तड़कती भड़कती। ये ऐसे ही खाने में मजा आ जाएगा आप सब्जी के
रूप में खा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लाजवाब फीलिंग हमारी तैयार हो गई। इसे आप पराठे और पूरी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमें खाना नहीं है इसे, इसकी रेसिपी बनानी है पत्ता गोभी की। तो मैंने गैस को कर दिया है बंद, चलो इसे रख लेते हैं साइड। देखिए दोस्तों, इस मैंने घोल बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 कप बेसन लिया है और इसमें मैं 1 चुटकी हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए और हल्का सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना। इसका घोल बनाना है, घोल मैं हाथ से ही बना रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है, एक ही साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है। आप गोल चम्मच से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से फेंटने में इसे अच्छा लगता है, हाथ से ये अच्छे से फेंट जाता है। तो घोल हमें ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला करना है। तो ऐसे मैं राउंड शेप में इसे फेंटती हूँ, मतलब इस तरह से, तो ये जल्दी फेंट जाता है। तो ये घोल हमारा देखिए दोस्तों रेडी है। हमें ऐसी कंसिस्टेंसी की घोल चाहिए, ये देख लीजिए इस तरह से, ऐसे। तो चलिए इसे रख देती हूँ मैं साइड में 2 मिनट के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस पत्ता गोभी के पत्ते को लेना है और एक ऐसे चौकी पे बिछा लेना है और यहां से हमारी फिलिंग उठाना है और फिलिंग को कुछ इस तरह से लेना है और इसके बीचों बीच रख देना है कुछ इस तरह से, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। आप इसे पत्ता गोभी का रिकवच भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से ऐसा हो गया, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे लिया है ये टूथपिक, इसे ऐसे इसके अंदर घोल देना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे साइड में रख देना है। इसी तरह से मैं सारे बना ले रही हूं, तो ये जो फट गया है इसे मैं फाड़ी दे रही हूं इस नाइफ से। मैं ये हार्ड वाला पोर्शन मैं निकाल दे रही हूं और फिर यहां से मैं मसाला ले रही हूं। कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं इसका नाम क्या रखूं, पत्ता गोभी का रिकवच कैसा रहेगा। और ये साइड से ऐसे, ये ऐसे रैप करके ये टूथपिक इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास ये टूथपिक नहीं है तो आप माचिस की तिली का उसका मसाला साफ करके उसे धो के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बना ले रही हूं, तो मिलते हैं बनाने के बाद। तो देखिए दोस्तों, इस पत्ता गोभी को मैंने कितना अच्छे से रैप कर लिया और इसके अंदर मसाला भी भर डाला है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं, देर किस बात की है। तो यहीं पे हमारा बेसन का घोल भी रेडी है, तो इसे करना है इसके अंदर डीप। अच्छे से इस पे बेसन का कोट कर देना है, इसे तेल में नहला देना है और फिर इसे तेल में नहला देना है। एक्स्ट्रा बेसन में थोड़ा निकाल दे रही हूँ और तेल मेरा एकदम गरम कर लिया था मैंने, ये देखिए। और ये दूसरा वाला भी। तो मैं कम से कम 2 से 3 इसके अंदर डालूंगी, ज्यादा भरना नहीं है। और एक ये तीसरा, बस इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे ये फ्राई हो रहे हैं। तो मैं इसे पलट ले रही हूँ थोड़ा, तो नाइफ की सहायता से। ये वाला थोड़ा ज्यादा लाल हो गया, अच्छे से इसे सुनहरा कर ले रहे हैं। तो आप इसे पत्ता गोभी के सैंडविच बोल सकते हैं, पत्ता गोभी के रिकवच भी बोल सकते हैं हमारे यूपी स्टाइल में। तो ये देखिए कैसे झटपट नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। तो मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर दिया है और इसे धीरे धीरे पकने देते हैं।
स्टार्टिंग में हाई फ्लेम किया था मैंने, अब इसे लो फ्लेम पे पकाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी तैयार हो गई है, मजेदार नाश्ता। तो इसे मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर का मसाला। तो इसी तरह हमें सभी फ्राई कर लेना है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। एकदम खस्ता कचौड़ी की तरह मेरे मुंह में तो एकदम पानी आ गया है। आप भी रेसिपी नोट करें, खाओ सालू। तो ये पत्ता गोभी की रिक्वेस्ट तैयार हो गए हैं, तो क्या करना है फटाफट। ये एक बाइट आपके लिए और एक बाइट मेरे लिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और चैनल पे पहली बार